एक बद्दू गुह एक जानवर है, इतना बड़ा होता है जितना मेरा बाजू है, इतना बड़ा होता है, वो छिपकली की तरह होता है, छिपकली से कोई 10-15 गुना वो बड़ा होता है, 20 गुना बड़ा होता है। गुह बड़ा खौफनाक सा जानवर होता है, जंगलों में होता है, सराओं में होता है। तो अरब वो खाया करते थे इस्लाम से पहले। तो एक बद्दू एक गुह का शिकार करके जा रहा था, जब अल्लाह के रसूल की मजलिस पर नजर पड़ी तो वहां से लौट आया। वो कहने लगा, तू है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ? आपने फरमा, हाँ मैं हूँ जो मैं कहता हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उसने अपनी गो को ऐसे खोला, रस्सी से, यहाँ रस्सी बांधी हुई थी, और अपने अल्लाह के नबी के सामने ऐसे फेंका। वो मुर्दा थी, शिकार की हुई मुर्दा, ऐसे फेंका और कहने लगा, अगर ये गो कह दे तू अल्लाह का नबी है तो मैं तुम्हें नबी मान जाऊंगा, वरना नहीं मानूंगा। और बड़ा अकड़ कैसे खड़ा हो गया कि मोया था, बंदा नहीं बोलेंदा, जानवर की थू बोले, क्यों भाई जानवर की थू बोले। उसे कह रहे हूं आज मेरा काम बन गया, आज मैं सचियां को नहीं रान देना। और ऐसे खड़ा हो गया, तो वो गो ऐसे पड़ी हुई मुर्दा, तो आपने एक नजर गोह पर डाली और आपने कहा, या अदब सुभान अल्लाह, या अदब ए वो। तो गो ने आंखें खोली, पहले जिंदा हुई, अल्लाह ने जिंदा किया, आंखें खोली, जानवर बोला नहीं करते। गो ने सर उठाया और अरबी जुबान में खूबसूरत अंदाज में नारा लगाया, लब्बैक। गो ने नारा लगाया, लब्बैक मैं हाजिर, वसादैक मेरी सआदत, मेरे भाग जाग उठे मेरी सआदत, या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा, ए क्यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले मैं हाजिर, मेरी सआदत आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे पुकारा, मेरी इससे बड़ी सआदत क्या है, मैं हाजिर हूँ, आप फरमाइए आपका क्या इरशाद है। तो आपने फरमाया, मन ताबद, तेरा रब कौन है, तेरा माबूद कौन है, तू किसको सजदा करती है? तो गो ने कहा, मन फिस्समाए अर्शहु, या रसूलल्लाह मैं उसके आगे सर झुकाती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर, वफिल अर्द सुल्तानहु जिसकी सल्तनत जमीनों पर, वफिल बहर सबीलहु जिसके रास्ते समंदर में, फिल जन्नत रहमतहु जिसकी रहमत जन्नत में, वफिल नार अकाबहु जिसका अजाब जहन्नम में, मैं उस रब की बंदगी करती हूँ। आपने फरमाया, मन आना, मैं कौन हूँ? अब बद्दू की आंखें फटी हुई, हैरान परेशान। आपने फरमाया, मन आना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो गो ने कहा, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बिल आलमीन के रसूल हैं, सुभान अल्लाह। और गो को भी पता है कि सिर्फ रसूल मानना काफी नहीं है, सिर्फ रसूल मानने से नजात नहीं है। एक मुर्दा गो को पता है, इंसानों को नहीं पता। और कहने लगे, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बिल आलमीन के रसूल हैं, व खातमुन नबीजीन, और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये बात है, गो को भी मालूम है, कितने लाखों इंसानों को शैतान ने फटका दिया कि झूठे नबियों पर ईमान लाने वाला बना दिया, झूठे नबियों के पीछे चला दिया। एक मुर्दा को गवाही दे रही है कि ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, इतना कहने से तुम ईमान वाले नहीं बन सकते हो, तुम्हें ये साथ ईमान लाना पड़ेगा कि आपके बाद कोई नबी नहीं। जो आपके बाद किसी नबी को नबी मानेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, न उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना सदका कबूल है, ना मस्जिद कबूल है, ना मेहराब कबूल है, ना मिंबर कबूल है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और आपका आखिरी नबी होना, एक जानवर को भी पता है, जानवर को भी पता है कि ये आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। लेकिन आपने फरमाया था कि मेरे बाद सलातून दज्जालून कद्दाबून, मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे, क्यामत तक 30 झूठे नबी आएंगे, वो सारे के सारे दज्जाल होंगे, कज्जाब होंगे, झूठे होंगे। जो उन पे ईमान लाएगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा और हमेशा की जहन्नम का हकदार हो जाएगा। तो ये गो कह रही है, अंता खातमुन नबीयीन, या रसूलल्लाह आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। अगला फतवा भी सुनो, और वो कहने लगी, बद अफलह मन सद्दक, या रसूलल्लाह जो आपकी मानेगा कामयाब। अगला फतवा, वकद खाब मन कद्दबक, जो आपकी नहीं मानेगा वो नाकाम, जो आपकी नहीं मानेगा वो नाकाम। मानने वाले कामयाब, ना मानने वाले नाकाम, मानने वाले कामयाब, ना मानने वाले नाकाम। बद्दू बद्दू हैरान परेशान, आपने फरमाया, अब क्या कहता है,
کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔